आगे में ही दुखी है, ये अच्छा एक्टर है, ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके पैसे काटो। आ जाओ भी, आ जाओ। अच्छा बुलाई हो, अरे तुम मत घुसो अंदर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। धुलाई कर दे, वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी धुलाई कर दे, तो आज ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा? संतरा, अभी देखते हैं जादूगर पाशा। इतना खुश नजर आ रहा है, पहले कांग्रेस के अंदर सिर्फ मंत्री थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार है, ये भी बहुत खुशी है। और इनके विषय में आपको याद होगा कहा गया था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर NCP के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का कॉपरेटिव घोटाला किया। कितने का? 70,000 करोड़। तीनों हजार में बोलिए, बोलो 70,000 करोड़। इतना बड़ा घोटाला किया था और कहा था जेल में चक्की फ्री से, फ्री से, फ्री से, थोड़ी जगह बना के सब लोग कहेंगे। अब कौन बताएगा कि चक्की क्लॉकवाइज खींची है? क्लॉकवाइज और कैसे भी पिसा लो खुल जाए। तो पहले इनको भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री बनाया, और दो तीन दिन पहले आपको एक खबर सुनी होगी कि इनके ऊपर जो मुकदमा भी चल रहा था वो मुकदमा भी खत्म हो गया। अभी तीन दिन पहले इनकी पत्नी के ऊपर एक मुकदमा था, छब्बीस हजार करोड़ का मुकदमा इनके ऊपर खत्म हो गया। ये है इस वॉशिंग मशीन का चमत्कार। बोलो वॉशिंग मशीन की जय। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जोरदार ताली बजाई। देखो कितनी मेहनत करके उन्होंने एम्पायर बनाया, फिर उसका नाम ऊपर किया उन्होंने। अब कौन है ये? ये है प्रवीण जिंदल। नाम से बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, लोग समझ गए ना तुम कौन हो। इनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप था, कोयला घोटाले का। इनके बारे में कहा जाता था इन्होंने हजारों करोड़ का कोयला घोटाला किया। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर ये मशीन में जाएंगे तो समझ के तुझे पूछ ही कहीं बताओ तुझे यहाँ से मंत्री कैसे हुए और क्या आंसर दे रहे हो? बता रहे हैं कि मुझे मंत्री पची है, कहाँ का मंत्री बनोगे तुम? कोई नहीं हमारे कैमरे में कुछ आ नहीं रहा है ना, तुम उस पर ध्यान दो, कहाँ देख रहे हो तुम? क्या तुम कहाँ से आते हो? मशीन दिख रहा है से लड़वा रहे। पहले तुम चुनाव जीतो फिर तुम्हें मंत्री बनाऊंगी, ठीक है? खुश हो ये कौन है? आगे में ही दुखी है, ये अच्छा एक्टर है, ये बहुत दुखी है। इनके ऊपर भी
इंडियन एयरलाइंस के अंदर घोटाले करने के आरोप है और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लंबी कैंपेन चला रही है। एनसीपी के बड़े नेता रहे हैं और अब जाओ वॉशिंग मशीन के अंदर। ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके पैसे काटो। ड्रीमलैंड तुम मत घुसो अंदर। आपको क्या चाहिए जीतने के बाद? कोई ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए, इन्होंने कोई मांगा नहीं है बेचारे, जो मिल जाएगा उस पर काम चला लेंगे। फाइनेंस कैसे दे देंगे? फाइनेंस नहीं देंगे, कुछ और देंगे तुम्हें। और कौन बचे? जनार्दन बंटी, इनके ऊपर भी बहुत सारे घोटालों के आरोप है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे साउथ दिल्ली के और नई दिल्ली के दोनों प्रत्याशी आपके बीच में। संग्राम पहलवान जी दक्षिण दिल्ली से, सोमनाथ भारती जी नई दिल्ली से, दोनों प्रत्याशी हमारे बीच में। और देखिए वैसे ही चमके हुए, इन्हें वॉशिंग मशीन में घुसने की जरूरत नहीं है, वैसे निकले हुए हैं। जनार्दन बंटी की बात हो रही है, अब ये आखिरी है हमारे पास, इसके बाद जो है वॉकेथन हम शुरू करेंगे। आप घुस जाओ इसमें वॉशिंग मशीन में। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा बीमारी हो मशीनी तोड़ेगा कभी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको क्या बनना है बताइए, जो आप बना देंगे? अभी तो हम सिर्फ जनता को बना रहे हैं। ठीक है, आइए। तो साथियों आपने देखा इस चमत्कारी मशीन का कमाल, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज लोगों में इतना गुस्सा है। मैं बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जब इस कैंपेन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी तो आपको मालूम होगा कि कैंपेन क्या थी। कैंपेन ये थी कि 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, और 2025 की 24 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, सीधा 2046 और 2048 पे थे लोग। कह रहे थे 2046 में हम ये करेंगे, 2048 में हम ये करेंगे, 2050 में हम ये करेंगे, हमारे पास पूरा 25 साल का रोड मैप है। सारी ये बड़ी बड़ी बातें हो गई इस बार की तो बचाने में। और अब आप इनकी कैंपेन देखिए, अब कैंपेन कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन आ गई तो ऐसा हो जाएगा, अगर अपोजिशन की सरकार बन गई तो ऐसा हो जाएगा, अगर अपोजिशन की सरकार हो जाएगी तो ये हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन की सरकार आ रही है, ये कारण है। वरना इनकी कैंपेन नहीं बदलती, इनकी कैंपेन ही इसलिए बदली है क्योंकि इनको दिख रहा है कि अपोजिशन की सरकार इस बार लोकसभा के अंदर बनने वाली है। जिंदाबाद।